हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ के बैक साइड का डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें नेक का निशान लगा लेना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसमें हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग एक साथ में किया है। हमें इसमें सिलाई कर देना है, तो हमें सिलाई यहाँ से करना है, गले की सिलाई करना है, उसके बाद ये नीचे की साइड का सिलाई कर देना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे कट्स लगा के इसको पलट देंगे। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद ये जो दोनों साइड का प्लेट है उसको बना लेंगे। तो ये हमने सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब हमने लिया है ये कपड़ा, इसको हमने 4 इंच चौड़ा लिया है और इसकी लंबाई हमने रखा है 52 इंच पे। अब हमें इसको डबल कर लेना है इस तरह से। अब इसका बनाएंगे हम फ्रिल कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम फ्रिल बना लेंगे पूरे कपड़े में। तो ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरह से बन गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हमें कट कर लेना है। अब हमें फ्रिल को यहाँ से अटैच करना है और यहाँ तक हमें अटैच करना है इसको। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें लेस अटैच कर लेंगे। तो लेस को हम यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ तक, ये जहाँ हमने निशान लगाया है यहाँ तक अटैच कर लेंगे।
अब हम फ्रिल को यहाँ से अटैच करेंगे और इस तरह से जब हमने निशान लगाया है यहाँ तक हम इसको अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर ही हमें इस लेस को भी अटैच कर लेना है। इस तरह से जो फ्रिल और लेस अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनी है। अब यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमने इसमें डोरी भी अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लाउज डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।